हटा के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के बाद हाल ही में पीड़ित परिवार के चार सदस्यों पर एक गोलीकांड में मामला दर्ज होने के बाद जिले की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पीड़ित परिजनों की गुहार पर आज कांग्रेस नेता प्रदीप खटीक और पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने संयुक्त प्रदर्शन करते हुए हटा बंद कराया और प्रशासन से चौरसिया परिवार पर दर्ज झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग की। बंद के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए। बंद को लोगों का भी व्यापक समर्थन मिला। नेताओं ने इस मामले में राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं पीड़ित परिवार के प्रति भाजपा और कांग्रेस ने संवेदना जताई है। वहीं प्रशासन मामले को पूरी तरह से संभालने में मुस्तैद है। दमोह में पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पथरिया विधायक रामबाई और जेलर पर आरोप लगाते हुए अत्याचार और गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ने का ऐलान भी किया। हमारी मांग ये है कि 15 दिन के अंदर अगर आप जो हमारे ऊपर FIR की हुई अगर उस पर अगर आप DCLA के हमारे ऊपर वो FIR नहीं काटेंगे तो हम आम और अनशन पर और उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे। मामला जो कायम हुआ है वो इसलिए कि इनको जेल पहुंचाया जा सके, वहां उनका खुद का जेलर है रखा हुआ, वो उनको राम भाई ने रखा है तो उनको प्रताड़ित करेगा। चंदू को उसके और उनके परिवार के लोग वहां पर हैं, वो इनको प्रताड़ित करेंगे, इनको ब्लैकमेल करेंगे कि तुम्हारा एक मर गया बाकी दो तो बचा लो जिससे कि ये पीछे हटे। बालाघाट